दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडिगो का बोर्डिंग पास आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से ही। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरीके का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो वो आपको कहां पे मिलेगा, तो ये सारा चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि आपको मैं बोर्डिंग पास जनरेट करके दिखाऊं लाइव स्टेप बाय स्टेप, एक जानकारी मैं देना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं आखिर बोर्डिंग पास जनरेट करना जरूरी क्यों है और नहीं जनरेट करेंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक समय सीमा है बोर्डिंग पास जनरेट करने का, उसके अंदर अगर नहीं जनरेट करते हैं तो आपका टिकट कैंसिल माना जाएगा, आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। यानी कि बोर्डिंग पास खुल जाता है 48 घंटा पहले और बंद हो जाता है 60 मिनट पहले। यानी कि जो भी बोर्ड करने का समय है, फ्लाइट बोर्ड करने का समय है, उससे एक घंटा पहले तक आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना ही पड़ेगा। और बोर्डिंग पास में होता क्या है, मान के चलिए आपने फ्लाइट बुक करते समय सीट सेलेक्ट नहीं किया था, तो बोर्डिंग पास जनरेट करते समय आप सीट सेलेक्ट करेंगे, या उस समय सीट सेलेक्ट कर लिए थे तो इस समय फिर भी आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना जरूरी हो जाता है। जब आपके पास बोर्डिंग पास आ जाता है तब आपका वही फाइनल टिकट माना जाता है ट्रेवल के लिए। चलिए अब सबसे पहले आपको मैं इंडिगो का बोर्डिंग पास जनरेट करके दिखाता हूं। इसके लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे हम गूगल पे सर्च करते हैं इंडिगो बोर्डिंग पास, या इंडिगो वेब चेक इन भी आप लिखेंगे तो दोनों का सेम मतलब होता है। देखिए व्यू एंड प्रिंट बोर्डिंग पास का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दो डिटेल्स पूछा जा रहा है, पीएनआर नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और दूसरा ईमेल आईडी या आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे एंटर करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख लीजिए फ्लाइट बुकिंग करते समय ही अगर आप सीट सेलेक्ट कर लिए होंगे तब तो वही सीट नंबर यहाँ पे आपको शो किया जाएगा, अदरवाइज उस समय सीट नहीं सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला कि आप अपने मनपसंद से सीट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर विंडो सीट लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा 200-400 रुपया पे करना पड़ेगा जो कि इसी पेज के ऊपर आप पेमेंट करेंगे, अदरवाइज आप ऑटो सेलेक्ट के ऊपर छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीट खाली रहेगा उसमें से कोई भी रैंडम सा एक सीट आपको अलॉट कर दिया जाएगा, और वहीं पे एक पीएनआर में कई सारे अगर पैसेंजर हैं तो सबको इसी तरीके से सीट मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप खुद से ही सीट को सेलेक्ट करें ताकि एक साथ आपको सीट मिल सके और आपके मनपसंद का सीट मिल सके, भले ही 100-200 रुपये का आपका पेमेंट करना पड़ सकता है आपके वाइस के सीट के लिए। वहीं पे देख लिया अगर आप सीट सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से मैप शो हो जाएगा, पूरे फ्लाइट का सीट का मैप शो हो जाएगा कि किस साइड विंडो है, किस साइड बीच वाला सीट है, या फ्लाइट के आगे से ले रहे हैं या पीछे से ले रहे हैं सीट, ये सब चीज आपको शो हो जाएगा। वहीं पे सीट सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी एलिजिबल अमाउंट होगा उसे आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट सक्सेसफुल कर देंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और आपका बोर्डिंग पास भी जनरेट हो जाएगा, और ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल के ऊपर भी कि आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो चुका है। तो अब रही बात कि ये मोबाइल वाला बोर्डिंग पास, अगर फिजिकल बोर्डिंग पास आपको चाहिए तो एयरपोर्ट के ऊपर आप जैसे ही पहुंचेंगे, तो अगर आपका इंडिगो का टिकट है तो आप इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाएंगे या फिर जहां पे सामान आप डिपॉजिट करवाएंगे वो काउंटर पे, ध्यान रखिएगा इंडिगो के काउंटर पे या सामान डिपॉजिट वाले काउंटर पे, इस दोनों में से किसी भी काउंटर के ऊपर जाकर के आप कह सकते हैं कि मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो इंडिगो का ऑफिशियल जो बोर्डिंग पास होता है वो निकाल करके आपको प्रिंट करके दे देंगे। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ कैरी करना होगा और आईडी प्रूफ देखने के बाद ही ये फिजिकल बोर्डिंग पास आपको दे दिया जाएगा और आगे का जर्नी कर सकते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जब भी आप बोर्डिंग पास जनरेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्लाइट बोर्ड करने के समय के ऊपर पहुंच जाएंगे और आपको फ्लाइट मिल जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे वहां पे प्रोसेस होते हैं तो आपका फ्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए 2 घंटा पहले आपको डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पहुंचना होता है। तो इस तरीके से आप इंडिगो का बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हैं। बाकी और भी एयरलाइंस का अगर आप बोर्डिंग पास जनरेट करना चाहते हैं तो उसका डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बस दोस्तों चैनल पर नए आएंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।